हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। आर डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश मूमेंट्स से सप्लीमेंट्री रीडर भी कहा जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपके एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए, तो लेसन 1 है द लॉस्ट चाइल्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम फटाफट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट अट्रैक्टिव द चाइल्ड फर्स्ट। बच्चे के लिए सबसे पहले किस चीज ने आकर्षित किया, तो रेसिडिंग टॉयज इन द शॉप्स अट्रैक्टिंग द चाइल्ड फर्स्ट सो ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड। रास्ते में कुछ खिलौने थे तो उनने सबसे पहले बच्चे के लिए आकर्षित किया और इसलिए वह पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, Why did the child stare open eyes and his mouth water? लड़के ने, बच्चे ने अपने किस तरह से आँखों को घूर कर देखा और उसके मुँह में पानी कैसे आया। The child stared at the many colored sweets and his mouth watered for burfi. लड़के ने विभिन्न प्रकार के रंगों वाली मिठाइयों की तरफ घूर कर देखा और उसके मुँह में पानी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। बच्चे ने मेले में जाते समय रास्ते में कौन सी चीजें देखी और वह पीछे कैसे रह गया, तो इसका आंसर देखेंगे। द चाइल्ड सीज टॉयज बैलून्स गार्लैंड ऑफ गुलमोर ऑन द वे टू द फेयर, He lags behind because these things fascinate him. बच्चे ने मेले में जाते समय रास्ते में बीच में उसे खिलौने, गुब्बारे, गुलमोर की माला, ये सब चीज़ें मिली और इसीलिए इन चीज़ों ने उसे आकर्षित किया तो वह पीछे रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर आल्सो, यस क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। जो चीज़ें पहले वो चाहता था उन चीज़ों में उसकी रुचि, जो खोया हुआ बच्चा था, क्यों समाप्त हो गई थी। आंसर दिया है, द चाइल्ड लॉस्ट द इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर एज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, ही वॉज ओनली सीकिंग एंड कॉलिंग I want my mother, I want my father. जो खोया हुआ बच्चा था उसका अन्य चीज़ों से इंटरेस्ट हट गया क्योंकि वह पहले इन चीज़ों को चाहता था लेकिन अब उसके माता पिता खो चुके थे, तो बस केवल एक ही चीज़ उसके लिए दृष्टि में आनी चाहिए थी। वो बार बार कह रहा था, खोज रहा था, कह रहा था, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, व्हाई डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। अंत में क्या घटित होता है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं और क्या बच्चे को अपने माता पिता मिले, तो आंसर दिया, अकॉर्डिंग टू लेसन अ मैन टुक द बॉय इन द फेयर, ही हेल्प द बॉय परसुएसिवली, He wanted to distract his mind from his parents. It is not clear that the child finds his parents. मतलब लेसन के अनुसार एक व्यक्ति इस बच्चे को मेले में उठा लेता है, ले लेता है और उसकी सहायता करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और वह चाहता है कि उसका ध्यान या दिमाग उसके माता पिता की तरफ से हट जाए, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि बच्चे ने अपने माता पिता को एंड में प्राप्त किया। अब लॉन्ग आंसर्स देखेंगे
स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फियर। मतलब जब उसके माता पिता खो जाते हैं तो बच्चे की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आंसर देना। आपको आंसर दिया है, एज सुन एज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स ही मेड अ डीप क्राई, ही वेप्ट बिटरली एंड टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, हिज क्लॉथ्स गॉट मडी डस्टी एंड लूज, ही एंटर्ड द क्राउडेड टेम्पल इन डेंस क्राउड द चाइल्ड क्राउड टू सेव हिज लाइफ, फादर मदर ए काइंड मैन टुक हिम अप, ही ब्रॉट द चाइल्ड आउट, ही ट्राइड टू कंसोल द चाइल्ड विद बर्फी गार्लैंड बैलून जगलर्स म्यूजिक एंड राउंड अबाउट, वर द चाइल्ड रिफ्यूज्ड एवरी काइंड ऑफर, ही क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, हिज कंडीशन वॉज मिजरेबल। इसका हिंदी मीनिंग अगर समझना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जैसे ही बच्चे ने महसूस किया कि उसके माता पिता खो चुके हैं तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, बुरी तरह से रोने लगा, उसके आँखों में आंसू आने लगे, उसके गालों आंसुओं से भीग गए, उसके कपड़े गंदे हो गए, मिट्टी में हो गए, ढीले हो गए। और जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो बच्चे ने अपने माता पिता के लिए डिमांड की और एक सहृदय व्यक्ति आया, उसने उसे उठा लिया, उस बच्चे को बाहर ले गया, उसने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, बर्फ़ी गार्लैंड बैलून जूलर्स म्यूजिक और झूला आदि इत्यादि के बारे में उससे कहा, लेकिन बच्चे ने इन सब चीज़ों को लेने से मना कर दिया। वह केवल चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का सेशन ऑफ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।